लौकी की सब्जी बनाने के लिए हमने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो हम निकाल लेंगे, सारा नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा निकालेंगे, हल्का हल्का पानी निकालेंगे सारा। फिर हम बड़े बर्तन में डालेंगे, उसमें हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, मिर्च, लाल मिर्च, नमक, हींग, काला नमक, सूखा धनिया, हल्की सी अजवाइन, हरा धनिया बारीक कटा हुआ। हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें बेसन डालेंगे, बेसन बड़े 2.5 स्पून। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जो बेसन और ये लौकी है इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है, ज़्यादा दबाव नहीं देना है इसको। हमने इसको मिक्स कर लिया। अब इसकी छोटी छोटी हम गोलाकार में लोइयां बनाएंगे, छोटे छोटे। अब आपकी मर्जी है कि आप किसी भी आकार में बना सकते हो। अब हम इसकी छोटे छोटे लोइयां बना लेंगे। लोइयां बनाने के बाद उधर हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके गरम तेल में डालेंगे। तेल फुल गरम होना चाहिए और गैस एकदम फुल होनी चाहिए। धीमी आंच में कभी भी पकौड़े नहीं बनाने चाहिए हमें। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद देखो नीचे से भी हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम सारे जो पकौड़े हमारे ये ब्राउन हो जाएंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएंगे, टेस्टी टेस्टी। अब हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में रख देंगे निकाल के। अब हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे। देखो हमने जो मिक्सी के जार में प्याज, हरी मिर्च और अदरक को ग्राइंड करेंगे। हमारा मसाला ग्राइंड हो चुका है। अब तेल में जीरा और ग्राइंड किया हुआ मसाला डालेंगे। और हम टमाटर की भी ग्रेवी बना लेंगे, इसको भी मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। देखो अब अच्छी तरह से इनको मिलाएंगे। इनको अच्छी तरह से भूनना है हमने। भूनने के बाद हमने नमक, हल्दी और काली मिर्च, लाल मिर्च नहीं डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल चुके हैं, मसाला हमारा भुन चुका है। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। पानी कौन सा, ये लौकी वाला पानी है जो हमारा एक्स्ट्रा बच चुका था। इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। फिर 2 स्पून हम दही के डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे हम। इनको पकने के बाद हम
सिंपल सादा पानी डालेंगे जो ग्रेवी के लिए, 1.5 गिलास हम पानी डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से 2-3 उबाले आएंगे, जो हमारा जो पानी कच्चा है वो अच्छी तरह से पक जाए। पानी पकने के बाद हम अपने जो लौकी के पकोड़े बनाए हम वो डालेंगे इसको। देखो हमारी जो कोफ्ता करी है वो तैयार होगी एकदम। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब हमारी जो कोफ्ता करी है वो एकदम से रेडी हो चुकी है। देखो कितनी क्रिस्पी है, डिलीशियस है, टेस्टी एकदम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। ओके, बाय।